हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रिजा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, मेरा जो ब्लॉग है वो शुरू कर लिया है मैंने, पिछले ब्लॉग को कंटिन्यू किया है। हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो गया है और हम लोग जब भी गोवा जाते हैं या फिर गोवा से उबले आते हैं तो बस पिकनिक करते हुए पिकनिक बनाते हुए ही जाते हैं। तो यहाँ पर बस अभी हमें पेरू ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। तो पहले तो एक मिला था लेकिन वहाँ पर हमें पेरू जो है अच्छे नहीं मिल रहे थे, और यहाँ पर आते हुए भाईजान जब गोवा से हुबली आ रहे थे तब भी इन्हीं के पास से लेकर आए थे, जो कि अभी जो कट कर रहे हैं वो थोड़े हल्के से पक चुके हैं। तो हम घर से लेकर निकले थे ताकि हम गाड़ी में खा सकें, वरना वो वहाँ पर पड़े रह जाते और कोई नहीं खाता है घर में। तो बस लेकर आए थे तो इनके पास से कट करवा लिए थे। अब यहाँ पर सब ने इन्जॉय किया है, सब मिलकर खा रहे हैं, और जो पेरू हमने लिए हैं वो गाड़ी में रख दिए हैं। तो इस तरह से हमारा जो जर्नी है इस तरह से शुरू होती है और इस तरह से इन्जॉय करके हम लोग चलते हैं, इन्जॉय करते हुए जाते हैं। और यहाँ पर ना कट करने के बाद आपा ने मुझे एक अखा वाला पेरू दिया था, जिससे मुझे पीस कैमरे को हाथ में पकड़ के एक पीस को निकालने नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने आपा को दे दिया था कि आपा मुझे इसमें से एक पीस निकाल कर दें और मैं खा सकूँ। तो सब मिलकर इस तरह से इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। पर हम लोग पहुंच गए हैं अलावर, और अलावर में जब भी हम लोग पहुंचते हैं गोवा से हुबली, हुबली से जो गोवा जाते हैं तो हम लोग अलावर से ही अपना जो लंच है वो करके जाते हैं या फिर पार्सल लेके आते हैं। तो आपा जब आ रहे थे हुबली तो उन्होंने पार्सल लेकर आया था, क्योंकि हम सब वहां पर थे। तो बिरयानी यहाँ से लाई थी, जो दिलकुश होटल है वहाँ से, और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर परिवार ढाबे में। भाईजान का मन था कि इसी वो ढाबे में आकर उनको खाना था, तो इस वजह से यहाँ पर आए हैं। तो अभी चलिए चलते हैं अंदर। देखिए, यहाँ पर अजमा जो है अपने पापा से कुछ पूछ रही थी, तो इस तरह Thank you.
ये सर्व करने के लिए आए थे, और जैसे उन्होंने मेरा कैमरा देखा तो मुझे मतलब डर लगने लगा, और वो कैमरे को बार बार देखकर बातें करने लगे। तो मतलब जैसे भी वो यहाँ पर ऑर्डर ले रहे थे तो बार बार कैमरे को ही देख रहे थे। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कहीं वो बोल ना दे कि कैमरे को ऑफ़ कर दो। ऐसा कुछ था तो नहीं, हालांकि ऐसा कोई कुछ बोलता नहीं है, कभी कभार कुछ लोग बोल देते हैं जो लोग कैमरा कॉन्शियस होते हैं वो। तो यहाँ पर बस ऑर्डर दिया जा रहा है कि हमें क्या लेना है, क्या ऑर्डर करना है, तो वही सब कुछ डिस्कशन चल रहा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा सबको भूख लगी हुई थी, तो सब ने अपना अपना शुरू कर लिया है सर्व कर लेना। तो यहाँ पर ऑर्डर किया था फरदीन ने, तो चिकन हांडी कुछ तो था, और यहाँ पर तंदूरी नान मंगवाई गई थी, इसके अलावा मसाला राइस मंगवाया था, कर्ड राइस भाईजान के लिए मंगवाया था, तो वही आज का हमारा लंच होगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर। देखिए जैसे लंच किया तो सो गए थे हम लोग, अजमा के पापा भी शायद से सोए थे, अजमा भी सो गए और मैं भी सो गई, और भाईजान भी सो गए, शायद से आपा जागे थे। और सीधे हम लोग जब गोवा पहुँचे तो ही हम लोग उठे थे, और अभी हम लोग घर पहुँच भी गए हैं। तो बस यहाँ पर सब अपना अपना लगेज जो है ना वो ले रहे थे, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपा की हेल्प करा रही थी, क्योंकि छोटे छोटे सामान जो है ऊपर पहुँचाना था, और फरदीन अकेला था, हम यहाँ पर दो लोग हैं। मेरा जो घर का सामान है वो अजमा के पापा और मैं मिलकर लेकर आ सकते हैं, तो यहाँ पर बस फरदीन अकेला था, इस वजह से मैंने थोड़ी सी फरदीन की हेल्प कराई है। छोटू छोटू सा जो सामान था वो मैंने और अजमा ने लाकर आपा के घर पे रख दिया है। अब हम जा रहे हैं आपा को अलविदा करके अपने घर, क्योंकि वहाँ पर नीचे जाने के बाद भी मेरा सामान मुझे थोड़ी सी अजमा के पापा की हेल्प करानी पड़ेगी, क्योंकि इकट्ठे मतलब एक आदमी से सारा सामान ऊपर लाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और यहाँ पर मैं भी थोड़ी सी हेल्प करा दूँ तो सही रहता है। तो यहाँ पर बस मैं ऊपर जा रही हूँ अजमा के पापा के पास से सामान लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर, और यहाँ पर घर आने के बाद पूरा घर जो है एकदम से क्लीन है, क्योंकि हम नहीं थे तो हसीन अपा आते रहते थे घर पे। और बस अभी पहुँचे हैं, तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। मेरा जो ये वेकेशन ट्रिप था काफ़ी अच्छे से गुजरा, सब ने बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया और अच्छा लगा। तो चलिए इसमें व्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।